इधर आना था हमने और बजीज लेने थे तोते तोते बच्चे देखने हैं। तो यार बजीज का सीन कुछ ऐसा था, मैंने उनको मास्टर केज में डाला था, मास्टर केज में उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया और मैंने उनको फिर सामने शिफ्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों क्या है कि तीन बजीज हैं, एक बजीज हमारा मिस है, मतलब एक फीमेल हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए दोस्तों मेल लाना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने काम आज यही किया, मार्केट गया, मार्केट से कुछ चीजें लेकर आया ताकि बजीज हमारे सेटअप पर ब्रीडिंग स्टार्ट करें और फिर हम उस फीमेल के लिए भी मेल लेकर आ चुके हैं। और मेरे साथ क्या हुआ दोस्तों, जहां से मैं मेल लेने गया ना उसके पास वो जाली नहीं थी, उसने मुझे कैसे दिया मेल मैं आपको दिखाता हूँ। इधर है ये देखें दोस्तों, उसने मुझे शॉपर में मेल दिया और नीचे कोई गत्ता उसने रख दिया और मैंने आते ही फौरन मास्टर केज में उसको छोड़ दिया क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था और उसका दम घुट रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों अंदर जाके, ये चीजें हम यहाँ पर रख देते हैं और आज दोस्तों हम अपने बजीज का घर सेट करेंगे, उनको एक सुकूनदार जगह देंगे ताकि वो परेशान ना हो और हमारे सेटअप पर आसानी से ब्रीडिंग स्टार्ट कर दें वो। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाइट एंड ब्लू बजीज और बहुत प्यारा है, लेकिन यार अब हमने इसको पकड़ना है और इसको फीमेल के साथ छोड़ना है ताकि ये अपने घर में जाए, नए घर में, और फीमेल के साथ ये पेयर बनाए और जल्दी से ब्रीडिंग करे। तो चले मैं जाली लेकर आता हूँ दोस्तों और अपने इस बजीज को पकड़ते हैं। इसको पकड़ लिया बजी ने, इसको क्या हुआ भाई, फोन आ रहे तो आप हमें यार बड़ा गंदा काटते हैं। और वो रस्सी कहाँ गई है, सिर्फ जो रस्सी में लेकर मैं ले आता हूँ। हाँ सेटिंग करो, अलविदा, पूरा अंदर चले जाओ, घुस जाओ। यार आप तक कौन से बटकियाँ लगी, चलो चलो जाओ। ये पौधा सारा खा गए, हाँ भूखे हैं, नहीं है इनको सब्जा पसंद है ना, इस वजह से। चलो ये भी रखो, कैसे उठाऊं दोनों, सही है। हाँ ऐसे, और ये वाली भी ऐसे। हाँ अब मुझे है ना, हाँ हो गया। आ जाओ बाकी सेटिंग भी करनी यार, जल्दी करो यार। कैसे हूँ यार, कैसे आए थे तुम? पता है क्या करना है, उल्टा होके आना है। ये पकड़ो जरा, उल्टा। हाँ मतलब मुंह पहले, हाथ बाहर पहले निकालो, पहले हाथ निकालना है। हाँ ऐसे सांप की तरह आना है, कपड़ों की टेंशन नहीं लेनी यार, मेरी बाजू टूटी हुई है। अच्छा ये फिर मसला ना हो जाए, आराम आराम से आओ ना भाई, ख्याल से आते जो ऐसे, तुमने हाथ जमीन पे रखना है ठीक है, फिर टांगों के, अपनी टांगों के सहारे जो है ना आते जो आगे, ऐसे 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 निकल जाए यार। हाँ वे वो यार वो ना निकल आए, ख्याल से वे क्या हुआ, कबूतर निकला, मैंने कहा बजीज निकल गया, पूरे है ना तीन। हालत देखो, हालत तो होगी ऐसे भाई, जल्दी आओ भाई। हाँ निकालो, बाकी सेटिंग करें, जल्दी करो। शुरुआत सुबह के टाइम के बाद ही करते थे, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती यार, इतना ज्यादा गर्मी होती है।
तो चलें दोस्तों, हम अपने बज्जी को आजाद करते हैं। मशाइम आ जाओ, हमारे पास एक तोता है, आ जाओ। तो चलें दोस्तों, अब हम अपने बज्जी को खोलने लगे हैं और अब देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से ये खुश होता है और ये नहीं कि यार स्ट्रेस में आ जाए। ओए ओए खुलता था यार, निकल गया यार, निकल गया। वो देखें दोस्तों, अंधेरे में मजा तो नहीं आएगा देखने में, लेकिन यार इनकी सेफ्टी के लिए ये करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अगर धूप में ये ऐसे रहते तो यकीनन दोस्तों गर्मी की वजह से ये एक्सपायर हो जाते। तो यार वो तो रखो, इनके जो लाए हो पानी वगैरह, पानी और वो यार दाने भी रखना है। चले दोस्तों वो रखते हैं, अब रात भी होने वाली है। उड़ाते कहाँ, कब बोला था मैंने? बोला आजाद करते हैं, क्या सुना था? जबरदस्त। तो चलें दोस्तों, अब हम ये जल्दी से रखते हैं और फ्रूट्स वगैरह मैं सोच रहा हूँ सुबह रखते हैं, क्योंकि यार अभी रखूंगा तो रात को वैसे भी उन्होंने खराब हो जाना है गर्मी की वजह से, तो सुबह फ्रेश रखेंगे। और देखें दोस्तों हमारे पास कौन आया है, शायान आ गया है। और आपने काफी दिनों के बाद शायान को वीडियो में देखा होगा, क्योंकि यार ये गया हुआ था कराची और अब आया ये वापस। ये देखो मैं आपको दिखाऊं, वो देखो जी हमारे पास प्यारे प्यारे तोते हैं। हैं चार हो गए ना, अब पहले तीन थे अब चार हो गए। चाचू देख, दिखाओ वो, देखो वो, देखो कितना प्यारे प्यारे हैं। अरे वाह, चले अब इसको बंद कर देते हैं, रात भी हो गई है। दुआ करोगे जल्दी से ये अंडे दे दें चाचू, फिर मजा आएगा देखने। नहीं अब रात होने वाली है, शाम हो गई है ना, अब थोड़े टाइम के बाद रात हो जाएगी चाचू। ऊपर हाँ ये सारे कबूतर है हमारे, अच्छे है यार। ये मुर्गा यार डायमंड को बहुत तंग करता है, बहुत ज्यादा जालिम हो गया यार हमारा मुर्गा। इसको यार बंद करते हैं और अब हम नीचे जाते हैं यार। आज हमारे बजीज का घर बन गया, कल इसको मजीद खूबसूरत करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर हमने पौधे लगाने हैं। मैंने सोचा है दोस्तों कि एक दो गमले रख दूं और साथ में फिर घास भी उगा सकते हैं इसमें। घास, हाँ घास भी उगा सकते हैं दोस्तों। और मटके लग गए हैं दोस्तों, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे बजीज अंडे दे देंगे, पेड़ बन जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है दोस्तों तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में ध्यान को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।